सीरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी के 25th वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में मोमेंट एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर 24 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके प्रोबेबिलिटी थ्योरी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज, मैं हूं सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप एमए क्लासेस को क्लिक करें। एमए क्लासेस को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मोमेंट्स देखते हैं, मोमेंट्स क्या होता है, उसके बाद फिर देखेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो द आरथ मोमेंट ऑफ ए रेंडम वेरिएबल एक्स अबाउट एनी पॉइंट ए इज डिफाइंड एज। रेंडम वेरिएबल एक्स है यहाँ पर और उसका आरथ मोमेंट को डिफाइंड किया जाता है एक्स माइनस ए टू द पावर आर का एक्सपेक्टेशन निकालना है। रेंडम वेरिएबल एक्स का आरथ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए, किसी भी पॉइंट के अबाउट हम लोग निकाल सकते हैं। तो जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उसको रेंडम वेरिएबल में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसका पावर आर कर देंगे, उसका एक्सपेक्टेशन ले लेंगे। तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा एक्स माइनस ए टू द पावर आर को का, उसी को हम लोग कहते हैं आरथ मोमेंट ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स अबाउट एनी पॉइंट ए। यानी कि आरथ मोमेंट ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स क्या हो जाएगा, अबाउट एनी पॉइंट ए। यहाँ पर जो है आरथ मोमेंट ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स अबाउट एनी पॉइंट ए या अबाउट पॉइंट ए, ए पॉइंट के अबाउट अगर निकालना है रेंडम वेरिएबल एक्स का आरथ मोमेंट, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर होता है। और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, तुम लोग को पता है कि किसी भी रेंडम वेरिएबल का अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है, एक्स का एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो डिस्क्रीट केस के लिए अलग होता है और कंटिन्यूस केस के लिए अलग होता है। डिस्क्रीट केस में क्या करते हैं कि इस रेंडम वेरिएबल में इसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और सम कर देते हैं। एक्स वैरी करता है, जो भी रेंडम वेरिएबल का वैल्यू हो सभी वैल्यू के लिए ये काम करते हैं हम लोग और सम कर देते हैं। और डिसकंटिन्यूस केस में क्या करते हैं, एक्स को उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो हम लोग को निकालना है एक्स माइनस ए टू द पावर आर का एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्स माइनस ए टू द पावर आर में हम लोग इसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का जो भी प्रोबेबिलिटी होगा, इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कह सकते हो, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसका समेशन कर देंगे जितना भी रेंडम वेरिएबल है सभी के लिए। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल जाएगा। और कंटिन्यूस केस में क्या करेंगे कि एक्स माइनस ए टू द पावर आर में उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके उसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल जाएगा। तो डिस्क्रीट केस के लिए अलग है और कंटिन्यूस केस के लिए अलग है। तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है इसका, उसी को हम लोग कहते हैं आरथ मोमेंट ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स अबाउट ए पॉइंट ए, ए पॉइंट के अबाउट। अगर इसी को हम लोग ओरिजिन के अबाउट निकालना हो, ए के जगह अगर जीरो कर दें, ये अभी रेंडम वेरिएबल एक्स का ए के अबाउट आरथ मोमेंट निकला है, अगर ओरिजिन के अबाउट निकालना हो तब क्या करेंगे, ए के जगह जीरो पुट कर देंगे। यानी कि द आरथ मोमेंट ऑफ ए रेंडम वेरिएबल एक्स अबाउट ओरिजिन इज डिनोटेड बाय, उसको म्यू आर डैश से डिनोट करते हैं। एक्स रेंडम वेरिएबल का आरथ मोमेंट अबाउट ओरिजिन को डिनोट कैसे करते हैं, म्यू आर डैश से। और डिफाइंड कैसे करेंगे, उसको डिफाइंड करेंगे सिर्फ ए के जगह हम लोग यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, जीरो। ओरिजिन के अबाउट निकाल रहे हैं तो जीरो पुट कर देंगे, तो एक्स टू द पावर आर का एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा। तो एक्स टू द पावर आर का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है उसी को कहते हैं मोमेंट, आरथ मोमेंट ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट हो गया। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, म्यू आर डैश से डिनोट करते हैं। तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगा, डिस्क्रीट केस के लिए अलग और कंटिन्यूस केस के लिए अलग। डिस्क्रीट केस में क्या करेंगे, डिस्क्रीट केस में एक्स टू द पावर आर में, एक्स टू द पावर आर में मल्टीप्लाई करेंगे इसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से और इसका समेशन कर देंगे। और
कंटिन्यूस केस में क्या करेंगे कि एक्स टू द पावर आर को इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा उसी को हम लोग कहेंगे आरथ मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट ओरिजिन, और उसको डिनोट कर रहे हैं म्यू आर डैश से। इसको हम लोग आरथ मोमेंट अबाउट मीन भी निकाल सकते हैं, उसके बारे में भी लिखेंगे हम। अब जरा ध्यान देना, आर के जगह अगर वन पुट कर दिया जाए तब क्या होगा, म्यू वन डैश बराबर क्या होगा, आर के जगह वन पुट कर देंगे तो पावर वन हो जाएगा, तो म्यू वन डैश क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आर के जगह वन पुट कर दिए तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को हम लोग म्यू वन डैश से डिनोट करेंगे, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को क्या कहते हैं, इसको मीन भी कहते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मीन ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स। और इसको डिनोट हम लोग कैसे करते हैं, मीन को डिनोट करते हैं म्यू से भी या फिर एक्स बार से भी। अगर हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू सेकेंड एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें, आर के जगह अगर टू पुट कर दें तो आर के जगह टू पुट कर देंगे तो इसको म्यू टू डैश से डिनोट करेंगे, आर के जगह टू पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है उसको म्यू टू डैश से डिनोट करेंगे। और तुम लोग को पता होगा कि वेरियंस अगर रेंडम वेरिएबल का निकालना है तो कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू में एक्स के एक्सपेक्टेड वैल्यू के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देते, यही ना फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू है म्यू टू डैश, और एक्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है म्यू वन डैश, तो म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। तो वेरियंस जो है अगर उसको हम लोग मोमेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो मोमेंट के फॉर्म में क्या होगा, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। किसी भी रेंडम वेरिएबल का वेरियंस निकालना है तो म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। तो ये निकल गया आरथ मोमेंट ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स अबाउट ओरिजिन और अबाउट एनी पॉइंट। अब हम लोग निकालेंगे आरथ मोमेंट ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स अबाउट मीन। मीन किसको कहते हैं, एक्स का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, अभी हम बात कर रहे थे कि मीन क्या होता है, मीन होता है एक्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो अगर हम लोग इसके अबाउट निकालना चाहें, यानी कि ए के जगह क्या पुट करेंगे, ए के जगह मीन पुट करेंगे, मीन जो है वो म्यू से भी डिनोट करते हैं, एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, और फिर किससे डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हैं। तो ए के जगह हम लोग यहाँ पर मीन रखते हैं, और अगर मीन रखते हैं तो जो आरथ मोमेंट होगा उसको डिनोट करने का तरीका अलग होता है, तो चलो उसको देखते हैं। तो द आरथ मोमेंट ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स अबाउट द मीन, मीन के अबाउट निकाल रहे हैं, यानी कि एक्स बार के अबाउट निकाल रहे हैं, मीन को म्यू से भी डिनोट करते हैं तो म्यू के अबाउट निकाल रहे हैं। तो आरथ मोमेंट अबाउट, आरथ मोमेंट ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स अबाउट मीन इज यूजुअली डिनोटेड बाय म्यू आर, इसको म्यू आर डैश से डिनोट कर रहे हैं, और इसको किससे डिनोट करते हैं म्यू आर से। और ये कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन वही हो जाएगा, सिर्फ ये जो पॉइंट के अबाउट निकाल रहे थे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा, एक्स बार भी लिख सकते हो, म्यू भी लिख सकते हो, ठीक है, या एक्स बार या म्यू के अलावा एक और चीज़ भी लिख सकते हो कि म्यू आर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स, इसी को ना मीन कहते हैं। तो ये भी लिखा जा सकता है कि एक्स माइनस ई एक्स टू द पावर आर का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा वही हो गया मोमेंट ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स अबाउट मीन, ठीक है। तो ये म्यू आर जो है वो इसके बराबर होगा, और ये कैसे डिफाइंड होगा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स बार टू द पावर आर में इसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से मल्टीप्लाई करके उसका सम कर देंगे अगर डिस्क्रीट केस में, और कंटिन्यूस केस में यहाँ पर एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये निकल जाएगा, इसी को हम लोग कहेंगे आरथ मोमेंट ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स अबाउट द मीन, ये मीन के अबाउट हो गया। अब जरा ध्यान देना, अगर आर के जगह टू पुट करें तो टू पुट करने से म्यू टू बराबर क्या होगा, म्यू टू बराबर हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार टू द पावर टू, और याद करो इसी को वेरियंस कहते हैं, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरियंस ऑफ एक्स कहते हैं। तो वेरियंस ऑफ एक्स जो हो गया वो सेकेंड मोमेंट हो गया ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स अबाउट मीन, इसको क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं, आरथ मोमेंट कहते हैं रेंडम वेरिएबल एक्स का, किसके अबाउट, मीन के अबाउट। तो ये जो है वो सेकेंड मोमेंट हो गया रेंडम वेरिएबल एक्स का अबाउट मीन,
तो जो सेकेंड मोमेंट होता है वही क्या हो गया, वेरियंस ऑफ एक्स। और ये वेरियंस ऑफ एक्स अभी बताए थे कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। तो म्यू टू जो है वो इसके बराबर होता है, अभी जस्ट हम बता चुके हैं। तो वेरियंस जो है वो इसके बराबर, या वेरियंस ऑफ एक्स जो है वो म्यू टू के बराबर। अब हम लोग देखेंगे कि आरथ मोमेंट अबाउट मीन और आरथ मोमेंट अबाउट ओरिजिन के बीच क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग देखेंगे। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे आरथ मोमेंट अबाउट मीन, तो उस आरथ मोमेंट अबाउट मीन को हम लोग सेंट्रल मोमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मोमेंट एंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है। मोमेंट अबाउट ओरिजिन और सेंट्रल मोमेंट के बीच क्या रिलेशन होता है उसको देखते हैं। तो वी नो दैट म्यू आर डैश, ये क्या बताता है, मोमेंट अबाउट ओरिजिन हो गया। मोमेंट अबाउट ओरिजिन को अभी डिफाइंड किए हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर, और यहाँ पर सिर्फ हम लोग कंटिन्यूस के लिए ले रहे हैं। जिस तरीके से कंटिन्यूस के लिए होगा उसी तरीके से डिस्क्रीट के लिए भी होगा, तो कोई भी एक हम लोग ले रहे हैं, फिलहाल हम कंटिन्यूस के लिए ले रहे हैं। तो एक्स टू द पावर आर का एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्मॉल एक्स टू द पावर आर में इसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये बता रहा है मोमेंट, आरथ मोमेंट अबाउट ओरिजिन, और ये म्यू आर से डिनोट करते हैं, किसको, म्यू आर से डिनोट करते हैं आरथ मोमेंट अबाउट मीन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रल मोमेंट भी कहते हैं। तो जो सेंट्रल मोमेंट होगा वो कैसे निकालते हैं, एक्स में मीन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन मीन्स एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, म्यू से भी डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग म्यू ले रहे हैं, तो एक्स माइनस म्यू टू द पावर आर का एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगा वही सेंट्रल मोमेंट हो गया, या मोमेंट अबाउट मीन हो गया। और ये एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए एक्स स्मॉल एक्स माइनस म्यू टू द पावर आर इंटू एफ एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ऐसा करो, इसको बायनोमियल थ्योरम से हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, बाय यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन वी गेट फ्रॉम टू, इससे म्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल रहने देते हैं और इसको बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले एक्स टू द पावर आर होगा, फिर माइनस आर सी वन एक्स टू द पावर आर माइनस वन इंटू म्यू, एक्स का पावर डिक्रीज करेगा और म्यू का पावर वन हो जाएगा, फिर प्लस होगा, ये माइनस में है तो अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, तो प्लस होगा आर सी टू और एक्स टू द पावर आर माइनस टू इंटू म्यू स्क्वायर। इसी तरीके से लास्ट टर्म जो होता है बायनोमियल थ्योरम से, इसको माइनस वन टू द पावर आर इंटू म्यू टू द पावर आर, म्यू का पावर आर हो जाएगा। तो ये बायनोमियल थ्योरम से हम लोग एक्सपेंड कर दिए हैं और ये एफ एक्स इंटू डी एक्स रहने देते हैं। अब क्या करो, इस एफ एक्स को प्रत्येक में मल्टीप्लाई करो और अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। जैसे इस एफ एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स टू द पावर आर एफ एक्स, और इसको भी हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आर सी वन कॉन्स्टेंट है और म्यू भी कॉन्स्टेंट है, मीन जो निकलता है वो कॉन्स्टेंट होता है, तो आर सी वन और म्यू को बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, एक्स टू द पावर आर माइनस वन, और ये एफ एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स टू द पावर आर माइनस वन और एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसी तरीके से बाकी भी टर्म में करते हैं, आर सी टू और म्यू स्क्वायर ये जो है वो दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग बाहर कर रहे हैं, एक्स टू द पावर आर माइनस टू और एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर इसी तरीके से लास्ट में ये पूरा कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और एफ एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे। अब जरा देखोगे, ध्यान देना ये क्या है, यहाँ पर जरा समझो, x टू द पावर r एफ एक्स डी एक्स ये जो इंटीग्रल है इसको म्यू आर डैश लिखते हैं, तो वही चीज़ है ना यहाँ पर, तो वही चीज़ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू आर डैश, और ये आर सी वन इंटू म्यू रहने देते हैं। और इस इंटीग्रल को देखो, यहाँ से कंपेयर करो, सिर्फ r के जगह r माइनस वन है, तो ये है आरथ मोमेंट अबाउट ओरिजिन और ये हो जाएगा आर माइनस वनथ मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो इसको हम लोग म्यू आर डैश से डिनोट कर रहे थे, इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे म्यू आर माइनस वन डैश से, जो पावर है एक्स का वही यहाँ पर हम लोग सबस्क्रिप्ट में रखेंगे। फिर उसके बाद प्लस आर सी टू म्यू स्क्वायर रहने देते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये r माइनस टू पावर है, यानी कि ये म्यू आर माइनस टू डैश हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट में ये ज्यों का त्यों रहने देते हैं, और एफ एक्स का इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी बताता है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू वन होता है, तो सिर्फ ये बच जाएगा माइनस वन टू द पावर आर इंटू म्यू आर। तो म्यू आर का ये वैल्यू निकल गया, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, म्यू आर इक्वल टू जो रिजल्ट निकाले वही चीज़ लिख दिए। तो ये रिलेशन निकल गया, किसके बीच का निकल गया,
सेंट्रल मोमेंट और मोमेंट अबाउट ओरिजिन के बीच निकल गया। अब यहाँ पर पर्टिकुलर केसेस कंसिडर कर सकते हो, आर के जगह 2, 3, 4, 5 वगैरह पुट करके एक रिलेशन निकाल सकते हो जो आगे यूज भी होता है। तो जैसे आर के जगह अगर हम लोग 2 पुट करें तो आर के जगह 2 पुट करने से म्यू 2 हो जाएगा, और इधर भी आर के जगह 2 पुट करते हैं तो म्यू 2 डैश माइनस 2 सी 1 म्यू, और यहाँ आर के जगह 2 पुट करेंगे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, आर के जगह 2 पुट करेंगे 2 सी 2 म्यू स्क्वायर, और आर के जगह 2 पुट करेंगे 2 माइनस 2 म्यू 0 डैश हो जाएगा। इसके बाद तो नहीं होगा क्योंकि आर के जगह हम लोग 2 पुट कर रहे हैं, तो आर के जगह 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, इसके बाद आर सी 3 आएगा, इसके बाद जो आएगा वो आर सी 3 आएगा, तो आर के जगह 2 पुट करेंगे तो 2 सी 3 पॉसिबल नहीं है, ऊपर का वैल्यू कभी भी इससे नीचे से कम नहीं होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये लास्ट टर्म होगा। अब क्या करो, ये म्यू 2 डैश रहने दो, माइनस 2 सी 1 का वैल्यू 2 होता है, और म्यू जो है उसको म्यू 1 डैश भी लिख सकते हैं। म्यू है क्या, म्यू जो है वो एक्सपेक्टेशन है, किसका एक्सपेक्टेशन है, एक्स का, और एक्स का जो एक्सपेक्टेशन होता है यानी इसको म्यू 1 डैश से भी लिखते रहे, ये मोमेंट अबाउट ओरिजिन हो गया, मोमेंट अबाउट ओरिजिन और पावर 1 है तो ये फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन हो गया, तो इसको म्यू 1 डैश से भी लिखते हैं। अभी बता चुके हैं, इसके पहले लिख चुके हैं, म्यू और म्यू 1 डैश दोनों इक्वल होता है, तो म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू 1 डैश लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी म्यू को हम लोग क्या लिख रहे हैं, म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर, और म्यू 0 का वैल्यू क्या होगा, 1। कैसे 1 होगा, अगर म्यू 0 डैश निकालना है तो अभी हम जस्ट बताएं, यहाँ पर देखो म्यू आर डैश का वैल्यू क्या है, x टू द पावर r को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ अगर r के जगह 0 होगा तो x टू द पावर क्या हो जाएगा, 0, तो x टू द पावर 0 यहाँ पर पुट कर दो और उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एफ एक्स, और एफ एक्स का इंटीग्रल होगा 1, तो यहाँ पर म्यू 0 डैश का वैल्यू कितना हो गया, 1, तो म्यू 0 डैश का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं, तो म्यू 2 डैश रहने देते हैं, और माइनस 2 म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर प्लस म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कि म्यू 2 जो होता है वो म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर, तो एक रिलेशन हो गया, ये सेंट्रल मोमेंट और मोमेंट अबाउट ओरिजिन के बीच एक रिलेशन हो गया। आर के जगह 2 के 2 पुट किए, आर के जगह 3 पुट करके भी हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं, आर के जगह 3 पुट करेंगे म्यू 3 हो जाएगा, यहाँ पर आर के जगह 3 पुट करेंगे तो म्यू 3 डैश हो जाएगा, आर के जगह 3 पुट करेंगे 3 सी 1 म्यू इंटू, यहाँ आर के जगह 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा म्यू 2 डैश, फिर आर के जगह 3 पुट करेंगे 3 सी 2 म्यू स्क्वायर और म्यू 1 डैश हो जाएगा, इसके बाद प्लस के बाद फिर माइनस आएगा, यहाँ पर ये माइनस में आएगा तो माइनस होगा, और r के जगह 3 पुट कर रहे हैं तो 3 सी 2 के बाद 3 सी 3 आएगा, और म्यू स्क्वायर के बाद म्यू क्यूब आएगा, और यहाँ पर r के जगह 3 पुट करेंगे अगले टर्म में तो 3 माइनस 3 हो जाएगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर म्यू 3 डैश रहने देते हैं, 3 सी 1 का वैल्यू 3 होता है, बाकी ये जो कहते हो 3 सी 2 का वैल्यू भी 3 होता है, और 3 सी 3 का वैल्यू 1 होता है, बाकी सभी टर्म वही रहने दिए, तो ये भी एक रिलेशन हो गया। यहाँ पर भी तुम एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू 1 डैश लिख सकते हैं, म्यू को म्यू 1 डैश लिख देते हैं, यहाँ पर भी तो एक रिलेशन आ जाएगा ये सेंट्रल मोमेंट और मोमेंट अबाउट ओरिजिन के बीच। इसी तरीके से तुम सिमिलरली आर के जगह 4 भी पुट करके निकाल सकते हो एक रिलेशन, आर के जगह 5 भी पुट करके रिलेशन निकाल सकते हो, तो ये रिलेशन निकाला जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। ये तो मोमेंट हो गया, दो टाइप का मोमेंट अभी हम लोग डिस्कस किए, एक सेंट्रल मोमेंट और एक मोमेंट अबाउट ओरिजिन, उसके बीच का रिलेशन भी डिस्कस किए, अब आगे देखेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब नेक्स्ट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पहले समझो कि द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन MGFB शॉर्ट में लिखते हैं ऑफ ए रेंडम वेरिएबल एक्स अबाउट ओरिजिन हैविंग द प्रायोरिटी फंक्शन FX। ये प्रायोरिटी फंक्शन लिखा हुआ, प्रायोरिटी मास फंक्शन हो सकता है डिस्क्रीट के लिए, और प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन हो सकता है कंटिन्यूस के लिए, सिर्फ प्रायोरिटी फंक्शन लिख रहे हैं। तो एक्स रेंडम वेरिएबल है और उसका प्रायोरिटी फंक्शन FX है, तो इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन अगर निकालना है तो इसको निकालने का तरीका होता है, इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, m ऑफ t और सबस्क्रिप्ट में x लिखा हुआ है, तो m सबस्क्रिप्ट x ऑफ t इज इक्वल टू मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, एंड ये डिफाइंड करते हैं कि दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx, जहां t क्या है, कोई भी रियल वैल्यू होगा, ये पैरामीटर हो गया,
अब ये टी भी लिख सकते हो, टी के जगह कोई दूसरा नोटेशन भी यूज कर सकते हो, टी के जगह थिट्टा भी यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर टी लिखना जरूरी नहीं है, टी के जगह थिट्टा भी लिख सकते हो। तो ये है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स अबाउट ओरिजिन, और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, डिफाइंड करते हैं, दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी इंटू एक्स। और एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, किसी का भी अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है तो उसको एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए उस फंक्शन में उसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं और सम कर देते हैं। यहाँ रेंडम वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट केस के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो डिस्क्रीट केस में समेशन होता है, यहाँ एक्स वैरी करेगा, एक्स का जो भी वैल्यू हो वो सारा लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। और अगर कंटिन्यूस केस की बात करें, कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल है तो उसमें हम लोग उसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, एक्स का जो भी रेंज होगा, रेंडम वेरिएबल है या कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल। अगर मान लो एक्स का वैल्यू ए टू बी है, रेंडम वेरिएबल एक्स का वैल्यू ए से बी के बीच में लाई कर रहा है, तो ए से बी तक ही इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक करने की जरूरत नहीं है। जो रेंडम वेरिएबल का रेंज होगा, जिसमें डिफाइंड है वो रेंडम वेरिएबल, उसी में हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे या उसी का सम करेंगे। एक्स का वैल्यू अगर मान लो 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के 10 है, तो 1 से लेकर के हम लोग कहाँ तक ऐड करेंगे, 10 तक ऐड करेंगे। तो डिस्क्रीट केस में हम लोग समेशन करेंगे, कंटिन्यूस केस में इंटीग्रेट करेंगे। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन विशेष कुछ है नहीं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होता है वो एक्सपेक्टेशन होता है, किसका एक्सपेक्टेशन होता है, ई टू द पावर टी एक्स का, ई टू द पावर टी एक्स का जो एक्सपेक्टेशन निकालेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेंडम वेरिएबल एक्स का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहेंगे अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अब देखो द इंटीग्रेशन और समेशन बीइंग एक्सटेंडेड टू द इंटायर रेंज ऑफ एक्स, जो इंटीग्रेशन है या समेशन है वो हम लोग एक्स का सारा रेंज, पूरा जो भी रेंज है इंटायर रेंज में हम लोग उसको लेंगे, यानी कि अगर इंटीग्रेट करना है तो एक्स का जो भी रेंज होगा वहाँ से वहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, या सम करना है तो जो भी एक्स का रेंज होगा उसमें हम लोग सम करेंगे। टी क्या है, टी बीइंग द रियल पैरामीटर, ये टी जो है वो रियल पैरामीटर है, टी के जगह कोई भी नंबर कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो, टी के जगह थीटा भी यूज कर सकते हो, तो एक पैरामीटर है ये। And it is being assumed that the right hand side is absolutely convergent. और t ऐसा लेना है ताकि right hand side जो है वो convergent हो, चाहे वो integration हो या summation हो, तो convergent के बारे में तुम लोग जानता होगा, कोई summation जो है series जो है वो convergent series होता है, या integration भी जो होता है वो convergent हो, integration होता है। तो convergent means यहाँ पर एक तरीके से समझ सकते हो कि इसका finite value आना चाहिए। ठीक है, तो t ऐसा चूज करेंगे ताकि ये जो राइट हैंड साइड है, चाहे समेशन हो या इंटीग्रेशन हो, वो कन्वर्जेंट हो। कन्वर्जेंट मीन्स यहाँ पर समझ सकते हो कि फाइनाइट वैल्यू आए। अब देखो कि m ऑफ एक्स टी जो है, m ऑफ t और सबस्क्रिप्ट में x लिखा हुआ है, तो ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर टी एक्स। इसको अब हम लोग निकालते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्यों कहते हैं इसको, इसके बारे में अब समझते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन है e टू द पावर t इंटू एक्स का, तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रहने दो, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो एक्सपेंशन होता है उसमें x को एक्सपेंड कर देते हैं। तुम लोग को याद होगा कि e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + x + x² / 2 + .x^r / r infinity तक होता है ये। तो x के जगह यहाँ टी एक्स है, तो 1 + tx + 2 डॉट डॉट, इसी तरीके से टी टू द पावर आर एक्स टू द पावर आर बाई फैक्टोरियल आर डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा ये। अब ये एक्सपेक्टेशन हम लोग जानते हैं, एक्सपेक्टेशन का जो प्रॉपर्टीज होता है उसके अनुसार ये सभी में अप्लाई हो जाता है, और जो कांस्टेंट होता है वो बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर वन में भी एक्सपेक्टेशन लगेगा, टी कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, तो टी को बाहर कर देते हैं, एक्सपेक्टेशन एक्स का रेंडम वेरिएबल एक्स का, टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, टी टू द पावर आर बाय फैक्टोरियल आर कांस्टेंट है एक्स टू द पावर आर का एक्सपेक्टेशन। अब जरा ध्यान देना, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसके बराबर हो गया, वन जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही होता है, वही होता है, तो वन का एक्सपेक्टेशन वन हो जाएगा। और एक्स का एक्सपेक्टेशन को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, एक्स अभी बता चुके हैं, ये मोमेंट जनरेट मोमेंट है किसके, फर्स्ट मोमेंट कह सकते हो अबाउट ओरिजिन, तो इसको हम लोग म्यू वन डैश से डिनोट कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन सेकेंड मोमेंट हो गया अबाउट ओरिजिन, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, म्यू टू डैश से। ये x टू द पावर r का एक्सपेक्टेशन आरथ मोमेंट हो गया अबाउट ओरिजिन, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, म्यू आर डैश से। तो इसको अगर हम लोग समेशन के फॉर्म में लिखें, तो समेशन के फॉर्म में लिखें तो सिग्मा
टी टू द पावर आर बाई फैक्टोरियल आर म्यू आर डैश, इसी में समीशन कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि आर का वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक पुट करना पड़ेगा, कौन सा वैल्यू पुट करेंगे ताकि ये पहला टर्म आ जाए। तो आर की जगह तुम जीरो पुट करो, टी टू द पावर जीरो वैल्यू वन, फैक्टोरियल जीरो वैल्यू वन और म्यू जीरो डैश इक्वल टू भी वन होता है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पूरा वन आ जाएगा। आर के जगह वन पुट करते हैं तो वन पुट करने से ये आ जाएगा, आर के जगह टू पुट करने से ये आ जाएगा, और कहाँ तक जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी तक, इन्फाइनाइट सीरीज है। तो इसको हम लोग समीशन के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जरा यहाँ पर समझोगे कि वेयर म्यू आर डैश, जो म्यू आर डैश हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं, म्यू आर डैश क्या है, ये आरथ मोमेंट ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स अबाउट ओरिजिन है। तो दस वी सी दैट द कोएफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर आर बाय फैक्टोरियल आर इन एम एक्स एम टी और सबस्क्रिप्ट एक्स गिव्स म्यू आर डैश अबाउट ओरिजिन। यहाँ पर जरा ध्यान देना कि टी टू द पावर आर बाय फैक्टोरियल आर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या बता रहा है, मोमेंट बता रहा है, रेंडम वेरिएबल एक्स का मोमेंट बता रहा है अबाउट ओरिजिन। तो टी टू द पावर आर बाय फैक्टोरियल आर का जो कोएफिशिएंट है वो मोमेंट बताता है, यानी ये जो फंक्शन है जब इसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को जब एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो टी टू द पावर आर बाय फैक्टोरियल आर का कोएफिशिएंट मोमेंट बताता है, तो इसीलिए ये मोमेंट जनरेट कर रहा है। इसका प्रत्येक टर्म जो है वो किसी ना किसी मोमेंट को बता रहा है, पहला टर्म जो है यहाँ पर जीरो के मोमेंट को बता रहा है, ये फर्स्ट मोमेंट को जीरो मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड मोमेंट, तो ये मोमेंट को जनरेट कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है टी का जो मोमेंट को जनरेट कर दे रहा है, तो मोमेंट को जनरेट कर दे रहा है इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ वही कि सिंस एम टी सबस्क्रिप्ट एक्स जनरेट्स मोमेंट्स, इट इज़ नोन एज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी आर टाइम्स, आर टाइम्स हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये नंबर वन को, इसको नंबर वन कह रहे हैं। तो एम ऑफ एक्स टी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कितना बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एम एम टी एम ऑफ टी सबस्क्रिप्ट एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आर टाइम्स, और इधर भी डिफ्रेंशिएट करते हैं आर टाइम्स। तो आर टाइम्स करेंगे तो आर से कम पावर का डेरिवेटिव जो है वो जीरो हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी का पावर अगर आर से कम है तो वो जीरो हो जाएगा, जैसे वन को आर बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो, यहाँ पर टी है, टी का पावर वन है, इसको आर बार डिफ्रेंशिएट करेंगे जीरो, तो इधर सब जीरो हो जाएगा इसके पहले वाला। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टी टू द पावर आर को अगर आर टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फैक्टोरियल आर होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि इसका डेरिवेटिव जो है वो फैक्टोरियल आर हो गया, और नीचे जो है वो तो कांस्टेंट है, ये भी एक्सपेक्टेशन जो है यहाँ पर ये वाला, ये देखो म्यू आर डैश, ये भी कोई नंबर आएगा। तो यहाँ टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो फैक्टोरियल आर और बाकी सभी जो कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा तो वो ज्यों का त्यों रहने देते हैं। अब इसके बाद कौन सा टर्म है, इसके बाद डॉट डॉट ये इन्फिनिटी तक है, तो जरा ध्यान देना इसके बाद जो टर्म आएगा वो टी टू द पावर आर प्लस वन म्यू आर प्लस वन डैश और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर प्लस वन होगा। अब इसको अगर हम लोग आर टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आरथ डेरिवेटिव क्या होगा, जरा ध्यान देना, एक्स टू द पावर एन को अगर एन बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तब ये आता है फैक्टोरियल एन, लेकिन अगर एक्स टू द पावर एन प्लस वन को एन बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो ये कितना होता है, ये होता है फैक्टोरियल एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल वन इंटू एक्स होता है। और यही अगर यहाँ पर पावर टू रहे, एन प्लस टू रहे, तो यहाँ पर भी एन प्लस टू हो जाएगा, फैक्टोरियल टू हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आर टाइम्स, तो आर टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल आर प्लस वन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल वन इंटू टी, और ये जो नीचे है फैक्टोरियल आर प्लस वन वो कांस्टेंट जैसा ट्रीट हो रहा है, ये रहने देते हैं, ये कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा ये भी रहने देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसको जब इसके बाद वाला जो टर्म आएगा ये टर्म, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, फैक्टोरियल आर प्लस वन इंटू टू टी डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल वन इंटू फैक्टोरियल आर प्लस वन म्यू आर प्लस वन डैश। इसके बाद जो टर्म, फिर इसके बाद जो टर्म आएगा वो टर्म में क्या होगा, यहाँ पर टू हो जाएगा, यहाँ पर भी टू होगा और यहाँ पर भी टू होगा, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आर टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है तो आर टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आएगा फैक्टोरियल आर प्लस टू डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू इंटू टी स्क्वायर इसका, और बाकी तो रहेगा, बाकी कांस्टेंट है, तो वन बाय फैक्टोरियल आर प्लस टू रह जाएगा, म्यू आर प्लस टू डैश रह जाएगा।
तो यही चीज यहाँ पर लिख रहे हैं, उसके बाद जो डेरिवेटिव आएगा फैक्टोरियल आर प्लस टू टी स्क्वायर, देखो फैक्टोरियल आर प्लस टू टी स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल आर प्लस टू, ये वही लिख दिए, और म्यू आर प्लस टू डैश यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, अब पुट करते हैं टी इक्वल टू जीरो विगेट, टी के जगह जीरो पुट कर दो, इधर भी हम लोग टी के जगह जीरो पुट कर रहे हैं, और इधर टी के जगह जीरो पुट करेंगे तो इसके आगे जितना भी टर्म है सभी में टी है, तो टी के जगह जीरो पुट करेंगे तो सारा टर्म जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर फैक्टोरियल आर कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बच गया म्यू आर डैश। तो म्यू आर डैश निकालना है यानी आरथ मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है, तो क्या करेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को आर टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसमें टी के जगह जीरो पुट कर देंगे, तो एक रिजल्ट हो गया कि अगर आरथ मोमेंट निकालना है अबाउट ओरिजिन तो उसको निकालने के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को आर टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, सॉरी यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, यहाँ पर टी होगा, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर क्या करेंगे टी के जगह जीरो पुट कर देंगे। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन की बात कर रहे थे, हम लोग किसी की पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकते हैं। इन जनरल द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स अबाउट द पॉइंट ई, अगर ए पॉइंट के अबाउट निकालना है तो उसको डिफाइंड करते हैं इस तरीके से, एम सबस्क्रिप्ट एक्स ऑफ टी अबाउट ई, पॉइंट ए के अबाउट अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है तो एक्सपेक्टेशन निकालेंगे ई टू द पावर टी इंटू एक्स माइनस ई का, जैसे जो अभी हम बताए हैं वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन के बारे में बताया है, ये अबाउट ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन में क्या करते हैं हम लोग, ओरिजिन में निकालते हैं एक्सपेक्टेशन, किसका एक्सपेक्टेशन निकालते हैं ई टू द पावर टी एक्स का निकालते हैं, इसका निकालते हैं, तो यहाँ पर अबाउट अगर ए निकालना है तो ई टू द पावर टी इंटू एक्स माइनस से ए हो जाएगा, अगर ए के जगह जीरो पुट कर देंगे तो ए के जगह जीरो पुट करने पर यही आ जाएगा ना, तो इसी का एक पर्टिकुलर केस हो गया, ये किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है और अगर ए के जगह जीरो पुट कर देंगे तो अबाउट ओरिजिन हो जाएगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान देना कि ये जो यहाँ पर लिख रहे हैं सब पैरामीटर है ये, तो टी के जगह थिट्टा भी कहीं पर लिखा हुआ मिल सकता है, और यहाँ जो रेंडम वेरिएबल एक्स लिख रहे हैं वो स्मॉल एक्स भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये स्मॉल एक्स भी बहुत सारा राइटर जो है वो स्मॉल एक्स भी लिखता है और यहाँ पर टी के जगह थिट्टा भी लिखता है, तो ये अलग चीज़ नहीं है, तीनों जो है वो एक ही चीज़ है, जो भी लिखे उसी तरीके से, मान लो अगर थिट्टा लिखा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे ई टू द पावर सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर थिट्टा एक्स लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स अबाउट एनी पॉइंट ई, ठीक है, इसके पहले हम लोग बताए डिस्कस किए थे अबाउट ओरिजिन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।